हरियाणा सरकार ने दीपावली पर्व पर लोगों को 2 घंटे पटाखे बेचने व फोड़ने की छूट देने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा करने के बाद हरियाणा सरकार ने दीपावली पर 2 घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति दे दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के पटाखा फैक्ट्री मालिकों और कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए दीपावली पर 2 घंटे पटाखे फोड़ने की छूट देने का ऐलान किया है। खट्टर ने यह ऐलान फतेहाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने पटाखे जलाने के लिए लोगों को 2 घंटे का समय दिया है। इस ऐलान के मुताबिक अब लोग दीपावली के दिन रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जला सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि वायु प्रदूषण के कारण कोरोना वायरस संक्रमण में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को कम करने और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए पटाखे की बिक्री और इसे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बताया जा रहा है कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को कहा था कि उनमें राज्य में पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है ताकि पटाखे फोड़ने से होने वाले प्रदूषण के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रसार ना हो सके। अब सरकार ने 2 घंटे पटाखे बेचने और चलाने की छूट देती है। चूंकि NGT है, इसमें पोल्यूशन का जो खतरनाक लेवल पहुंच गया है और कोरोना ऊपर से चल रहा है, हमने देखा कि कोरोना की दोबारा से फिर ये खास करके प्रदूषण जब से बढ़ रहा है, मौसम बदल रहा है, कोरोना का जो मरीज है फिर बढ़ने शुरू हो गए। जो हमारे 1000 तक आ गए थे हरियाणा में, आज 2021 सफर पर पहुंच गए हैं। हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रख करके एक ऊपर कोई ना कोई संज्ञान लेना पड़ता है। फिर भी जो लोग आके अपना बेचना चाहें, चलाना चाहें, तो 2 घंटे की छूट दी है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।